सरकार बना दूं, टेबल को तेरी बार बना दूं, वैसे तो हूं बादशाह मैं, आज रात तुझे स्टार बना दूं। ओ भाई कहाँ जा रहा है? दारू खरीदने। सुना है तुम बहुत जिद्दी हो। हाँ हूँ। मुझे भी अपनी जिद बना लो। मान का दा मुंडा जेवे आके ले जेवे काली रेजी उत्ते फुल लाके ले जेवे तेरी अड़प जी जट्टी फे। साला हम तो मछली हो गए, हाथ लगाओ डर जाएंगे, बाहर निकालो मर जाएंगे। इको हील दे नाल मैं कटिया एक साल वे मैनू कदे ता ले जा कर तू शॉपिंग मॉल वे मेरे नाल दिया सब पार्लर सज दिया रहे आलू के गरम गरम पराठे। इस पराठे में आलू कहाँ दिख रहा है? आलू कहाँ दिख रहा? कश्मीरी पुलाव में कश्मीर दिखता तिकू। और तो और बनारसी साड़ी में बनारस नजर आता क्या तिकू? बात कर रही है उसे ना, इतनी गर्मी में तो धूप में खड़ी है, पसीना सुखा लिया मामू। बेबी मैं आ गई, सरप्राइज। अगर हमारे देश के लोगों ने लॉकडाउन का सही ढंग से पालन नहीं किया तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। इसका मतलब मैं फिर से कुवारा हो जाऊंगा। भाई हाँ, ऐसे ही कुछ दिन और घर में रहे तो गाली देना भूल जाएंगे। बात तो सही है, प्रैक्टिस करता रहिए। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल मेरा दिल दीवाना बोले होले होले। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा कर लेता। हेलो पापा। हाँ बेटा। अरे मैं भाग के शादी करूँ या फिर शादी करके भागूँ? अब भट्टी चप्पल से मारूं या चप्पल भटने तक मारूं? भाई तेरी टी शर्ट बहुत अच्छी है यार। तेरी नहीं हमारी। यार तेरा चश्मा भी बहुत अच्छा है। तेरा नहीं हमारा। हाय बेबी। हाय मेरा भाई। देख तेरी भाभी। तेरी नहीं हमारी। ये लो खा लो। भई ये अजीब सा टेस्ट क्यों कर रहा है? अरे धनिया पुदीना और लौंग डाल के बनाई है ना। अबे ऐसा धनिया पुदीना और लौंग तू लाई कहाँ से? अरे वही तो नहीं मिला इसलिए मैंने पतंजलि का टूथपेस्ट मिला दिया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। पापा मैं लेट नाइट पार्टी के लिए बाहर जा रहा हूँ। बेटा ये सब अपने घर पे नहीं चलता है, ठीक है? इसलिए तो बाहर जा रहा हूँ। तुम मेरे रिश्तेदारों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। क्या बात करती हो, मैं अपनी सास से ज्यादा इज्जत तुम्हारी सास को देता हूँ। देखो तुम शराब लेने मत जाओ, क्या तुम्हें अपने परिवार से प्यार नहीं? अगली देश पुकार रहा है, अर्थव्यवस्था का सवाल है, समझो बात को। भाई शौचालय में लड़कियों का नंबर लिखने वालों को जेल हो जानी चाहिए। हाँ भाई एक भी नंबर का ही नहीं होता। अरे भाई साहब कचोरी तो आपको लेना ही पड़ेगी। भाई साहब आई आई है। भाई साहब आपको जलेबी भी लेना पड़ेगी। अरे ये लीजिए भाई साहब जलेबी लीजिए। आइए भाई साहब आगे आइए आइए। अरे भाई साहब ये तो दो। अरे नहीं भाई साहब ये मत लीजिए आप। अरे पर ये अरे तो नहीं ये मत लीजिए भाई साहब। अरे पर मेरे को अरे भाई साहब ये फीका है। अरे तो क्या हुआ मैं चटनी से खा लूंगा। बेबी तुमको सबसे ज्यादा याद कब आती है मेरी? जब मम्मी मुझे कहती है बेटा जल्दी शादी कर ले, काम वाली के पैसे बच जाएंगे। मेरा मुंह तो निकल गई, मेरी जबान टूट गई। अबे तू रोज एक ही ड्रेस में घूमती है, तेरे पास दूसरे कपड़े नहीं है क्या?
अबे ये मेरी ऑफिस यूनिफॉर्म है, तुझे क्या पता साला बेरोजगार। क्यों इतनी देर से लाइन में लगे, हम पागल हैं? चल पीछे लाइन कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हेलो, हाँ भाई, हाँ बस थोड़ा खांसी हो रही है और बॉडी पेन भी है, बुखार बुखार का लग रहा है। हाँ छींकी आ रही है बार बार। किसी ने मुझसे कहा तुम्हारे यार अच्छे नहीं लगते, मैंने मुस्कुरा के कहा शेर शेरों को अच्छे लगते हैं कुत्तों को नहीं। सुनो वो लंच पैक कर दिया क्या? हाँ जी हो गया, पर ये देना किससे है? राजू को दे दो। ठीक है। राजू ये खाना लेके कहाँ जा रहे हो? मैडम साहब से ही पूछ लेना, वो बताएंगे आपको। सुनो राजू को खाना लेके कहाँ भेजे? शराब लाने। लंबी लाइन लगी होती है ना तो भूख लगेगी वहीं खाना खा लेगा ना, वापिस घर नहीं आना पड़ेगा ना उसको। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ हाँ चलो, लेकिन ड्राइविंग मैं करूंगी। वाह, मतलब जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। नई नई दुल्हन ने सास की पैर छुई तो सास ने कहा सदा खुश रहो, दुल्हन ने कहा आप रहने देंगी? अरे भैया। हाँ यार ये रुपया गिर गया यार, दोनों यार। हाँ भैया। यार इसमें से यार मेरा कौन सा यार? हाँ यार ये लग रहा है यार। अरे ये नहीं है, ये मेरा है। आयो दिमाग। भाई तूने दारू पी रखी है? नहीं भाई, तुझे लगता है क्या यार मैं दारू पीऊंगा? एक बार चल के दिखा फिर। भाई तेरे घर से कल चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही थी? यार भाई कल ना गलती से मैंने फेसबुक की जगह OLX पे अपनी पत्नी की फोटो डाल दी। सॉरी। अबे डरपोक, मैं दिखाता हूँ। अबे हेलमेट, हेलमेट, हेलमेट कहाँ है? हेलमेट तो मैंने पीछे फेंक दिया, इरिटेट कर रहा था। और लाइसेंस, लाइसेंस बताओ। ये लाइसेंस नहीं है, पैन कार्ड है ये। तो लाइसेंस तो मेरे को पता नहीं। पुलिस स्टेशन चलो। नहीं पुलिस स्टेशन से तो मैं अभी आई जस्ट। राजू। हाँ जी साहब। एक कप चाय बना फटाफट। बना रहा हूँ साहब। देख रहे हो मैडम, परेशान करके रख रखा है। हाँ देख रही हूँ राजू। दिल तो करता है कभी चाय में ना जहर मिला दूँ। कहाँ चल दी है मैडम? हे भगवान मुझे एक ट्रैक्टर दिला दे। ए भाई हा? एक रुपया और चढ़ा दे, ट्राली के लिए बाद में फिर आएगा तू। नो नो नो। छेड़ के भागा ये। नाम खराब कर रखा, शर्म नहीं आती? अब जा, हमारे घर पे दो बहनें बैठी हैं, उन्हें भी छेड़ जाके। सॉरी बहन। मन ने नहीं मारे भैया को, छेड़ के भागा है। भैया छेड़ दिया। पापा की परी हो या मम्मी का हेलीकॉप्टर, कृपया करके घर में ही उड़े क्योंकि बाहर ना जाएं, क्योंकि बाहर पुलिस वाले पबजी खेल रहे हैं। पट्टा से हेडशॉट। ₹10 है? नहीं है। देखो होगा। नहीं है। ₹100 चाहिए। अरे जल्दी चल, मुझको लेट हो रहा है। लेट हो रहा है? आज तो इतनी तेज गाड़ी चलाऊंगा ना, एकदम सनाना ना। अरे तेज मत चलाना यार, मुझको डर लगता है। डर लगता है तो वही करना ना जो मैं करता हूँ।
क्या? आंखें बंद कर लेना। अरेंज मैरिज के भी अपने ही फायदे हैं। कभी कभी ऐसी लड़की से शादी हो जाती है जिसे लौंडा 7 जन्म में नहीं पटा सकता। क्यों बात नहीं कर रही? मुझसे बात मत करो। क्या हुआ? मुझे बात नहीं करनी। फिर खुद आएगी चल के? मेरी जूती आएगी वापस। शॉपिंग कर लेना ठीक है? थैंक यू। हाँ भाई, परसों उसको ड्रेस दिलाई, कल ब्रेकअप कर लिया, अब लड़कियों से दूर रहूंगा यार, खर्चे बहुत करवा देती है। एक्सक्यूज मी, आपका कोई नाम है? आपको आई लव यू कहके बुलाऊं? निकल रही खेबीड़ उधर। बेबी सुनो ना, मैं आप सीधे जा रहे होगी, आपको लात मार के भगाऊं। पापा मेरी जल्दी से शादी करवा दो। क्यों बे? नहीं तो मैं दादी से शादी कर लूंगा। क्यों बे साले, मेरी माँ से शादी क्यों करेगा? तुमने भी तो मेरी माँ से की थी। बर्तन मांज नहीं तो मैं तो क्या कर लगी? रुक, अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। मैं पति 4 दिनों से खांस रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस चेतन जी, आप पापा बन गए। मेरी वाइफ को मत बताना, मैं उसे सरप्राइज दूंगा। भैया स्ट्रॉबेरी कैसे दिए? 100 रुपया किलो मैडम। 100 रुपया? बट मम्मी तो कल 500 रुपए का एक लाए थे। 500 रुपए का एक? हाँ। थोड़ा हम जरा मैडम नीचे छुपा के रखते हैं, वो सिर्फ हमारे स्पेशल कस्टमर्स के लिए होते हैं। ये लीजिए। थैंक यू। और मम्मी बोलती है इनके भाव करने।